डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, और आपकी ये बुक का नाम है भाषा माधुरी हिंदी पाठशाला, यानी कि हिंदी की बुक है ये, और ये सेकंड क्लास, ठीक है। अब आपको हम ये बुक पढ़ाएंगे, इसमें लेसन वन पढ़ाएंगे। उससे पहले एक बार ये देख लो कि ये जो कहानी है दूसरों से सीखो, इसमें ये लालची कुत्ता, ये कहानी हम आपको क्लास में पूरी करवाएंगे। उसके बाद में ये कहानी भी हम आपको क्लास में लिखवाएंगे। और ये जो है रंग बिरंगे सपने, इंद्रधनुष, ये आप खुद इसके अंदर कलर भर लेना। जैसे इसमें कलर का नाम भी लिखा हुआ है, ये इसमें बैंगनी, इसमें नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी, लाल, तो ये कलर आपको इसमें भरने हैं। तो ये आप भर लेना। बाकी ये जो कहानी है ये हम आपको क्लास में करवाएंगे। अब लेसन वन, ये एक छोटी सी कविता है और ये कविता भगवान को समर्पित है। इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेसन का नाम है प्रार्थना, पाठ एक यानी कि लेसन वन, और उसका नाम है प्रार्थना, और ये कविता के रूप में है। और फिर से बता दूं मैं आपको कि ये कविता भगवान को समर्पित है। इसमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे आपके जैसे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें बच्चे कह रहे हैं कि विनती करते हैं भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। यानी कि सभी बच्चे मिलकर क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपसे विनती कर रहे हैं, यानी कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब बच्चे हैं नादान, यानी कि हम भोले भाले बच्चे हैं, सीधे सरल स्वभाव के बच्चे हैं। सदा करें आपका ध्यान, हमको दो ऐसा वरदान। बच्चे, सभी बच्चे भगवान से क्या कह रहे हैं कि हम हमेशा आपकी पूजा करते हैं, हम हमेशा आपका ध्यान करते हैं, आपको याद करते हैं, इसलिए हमको एक ऐसा वरदान दो जिससे हम क्या बने। देखो, विद्या बुद्धि दो भगवान, पढ़े लिख कर हम बने महान। कि विद्या बुद्धि दो भगवान, कि हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप विद्या बुद्धि दो। विद्या यानी पढ़ाई लिखाई, बुद्धि यानी हमें दिमाग दो, हमें तेज बुद्धि दो, जिससे हम पढ़ लिख कर महान आदमी बने। महान आदमी जैसे आप अगर पढ़ोगे तो क्या बनोगे, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेंगे, हाँ, जब आपके अंदर बुद्धि होगी और आप पढ़ाई करोगे। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें बुद्धि दो जिससे हम पढ़ लिख कर महान बने। नित्य करें सबका सम्मान, हम बच्चे अच्छे इंसान, हम बने अच्छे इंसान। कि नित्य करें सबका सम्मान, सबका कौन, जो हमारे बड़े हैं, बच्चों, जो आपके घर में सभी बड़े हैं, आपके घर में, आपके आसपास में जो भी बड़े हैं, बड़े जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ, नानी नाना, मामा, सभी, कि हम उनका हमेशा क्या करें, सम्मान, हम बने अच्छे इंसान। अगर हम उनका सम्मान करेंगे, अगर बड़ों का सम्मान, अगर बच्चों आप बड़ों का सम्मान करोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, नित्य करें सबका सम्मान, हम बने अच्छे इंसान। विनती करते हैं भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। फिर से बच्चे क्या कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी बच्चे नादान हैं, सीधे सरल स्वभाव के हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हमें विद्या बुद्धि दो जिससे हम पढ़ लिख कर महान बने, एक अच्छा इंसान बने।
तो ये छोटी सी कविता है, मैंने आपको इसको समझा दिया है। अभी के लिए तो आपको बस ये कविता ही पढ़ाएंगे, आप इसको रीडिंग करना, ठीक है। ये जैसे कोई शब्द अगर आपको नहीं आता है तो अपनी मम्मी से पूछना, अपने पापा से पूछना और अपने बड़ों से पूछ लेना, लेकिन इसको रीडिंग लगानी है, इस कविता को पढ़ना है आपको। जैसे ये विनती, भगवान नादान है नादान, वरदान वरदान, ये जो सभी पूरा मतलब इसको आप टू टाइम रीडिंग लगाना, ठीक है। टू टाइम इस कविता को रीडिंग लगाना है आपको, और घर में रहा करो, बाहर मत निकला करो, घर में ही आप खेला करो, और अपने जो बड़े हैं, आपके बड़े हैं मम्मी पापा दादा दादी, जो घर में जो भी बड़े हैं वो कुछ कहते हैं तो उनका कहना मानो, और ठीक है। अभी तो हम इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम में आपको शब्दार्थ पढ़ाएंगे, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। बाय।